अपने बच्चों को सिखाएंगे ये तरीका? क्या आप आने वाली पीढ़ियों को यही तस्वीरें छोड़कर जाना चाहते हैं? देश की संसद में टेबल पर चढ़ो, रूल बुक उछालो। अब आप देखिए, आज स्पीकर साहब ने भी कल ये बात कही, पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। देखिए, माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता प्रभु की मूर्त है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है, पर जब इस मंदिर में पुजारी की जगह पाखंडी बैठ जाएं और वो जनता जनार्दन की उपासना के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगें, तो कांग्रेस जैसे श्रद्धालु, कांग्रेस जैसे लोकतंत्र के अनुयायी और कांग्रेस के जैसे जनमुखी राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी मुखालफत करने के लिए कोई भी माध्यम अपनाना पड़े उसे जरूर अपनाएंगे। मतलब आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र, मैं पूरा कर लूं आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जब संसदीय लोकतंत्र की परिकल्पना की तो ये लक्ष्य नहीं उद्धृत किया था संसद के लिए कि आंख नाक मुंह कान बंद करके सरकार का जो एजेंडा हो बस उसे पास कर दिया जाए। जनता के मुद्दों को संसद में उठाना, उस पर बहस करना, संवाद करना, सहकारिता और सामंजस्य स्थापित करना, ये लक्ष्य था। और इस लक्ष्य की पहली जिम्मेदारी संसदीय लोकतंत्र में सरकार के कंधों पर डाली, सरकार के ऊपर डाली गई। और मैं कहना चाहती हूं कि अगर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल को दिमाग में रखा जाए तो ये जो सत्र था मॉनसून का, सार्थक सत्र था। क्योंकि जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता साइकिल पर संसद पहुंचे तो पूरे देश में यह सवाल गूंजा कि महंगाई इतनी चरम पर क्यों पहुंच गई है, कि पेट्रोल का दाम 100 के पार क्यों पहुंच गया है, कि गैस 850 जवाब नहीं मिला रागिनी जी, कि सरसों का तेल 200 प्रति लीटर क्यों हो गया है रागिनी जी। और मैं ये नहीं, मैं साइकिल चढ़ने पर, साइकिल चढ़ने पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगी। सुने, आप अपने हिसाब से सब जवाब नहीं देंगे, आपने अपने हिसाब से तमाम बातें कह ली, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए रागिनी जी। रागिनी जी, जनता के मुद्दे उठाए गए, हाँ अच्छी बात है, जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और अच्छी बात है कि आप सड़क पर हो, संसद में हो, उठा रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएंगे कि अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं सरकार बात मान रही है तो टेबल पर चढ़कर, संसद की बात है ये, संसद की बात है रागिनी जी, क्या ये आचरण सही था? क्या ये संसद का अपमान नहीं है? सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ। सुनिए अंजना जी, आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे जो गांधी जी ने सिखाया था कि अन्याय का साथ देने वाला भी अन्याय का सहभागी बन जाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जो भगत सिंह ने सिखाया था कि अगर सरकार बहरी हो जाए तो एक छोटा सा धमाका करना जरूरी हो जाता है उस सरकार को चिर निद्रा से उठाने के लिए। और हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किसी भी तरीके से अगर लोकतंत्र का मजाक बनाया जाए, लोकतंत्र के मंदिर का उपहास उड़ाया जाए तो उसे नहीं उड़ाने देना चाहिए। और हम अपने बच्चों को यह भी सिखाएंगे अंजना जी कि इस देश का पेट पालने वाले अन्नदाता जो है उनकी पीड़ा को हमें महसूस करना होगा, और उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए अगर ये सरकार हमें मजबूर करेगी कि हम अपनी बात को न रख पाए तो उसके रखने का हमें माध्यम भी ढूंढना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को जल्दी से समाप्त करती हूं कि राहुल गांधी जब ट्रैक्टर पर भी चढ़कर संसद पहुंचे तो इन्हीं किसानों की पीड़ा और वेदना स्पष्ट हो गई, इन्हीं किसानों की जो शहादत हुई है सैकड़ों वो सामने आ गई, और मोदी जी के अहंकार और किसानों के बीच की लड़ाई भी स्पष्ट हो गई। जब राहुल गांधी और देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष एकजुट खड़ा होकर पेगासस पे सवाल पूछता है तो देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि मोदी जी आप संसद में पेगासस पर बहस करने से डरते क्यों हैं? ठीक है, आज लोकतंत्र को बचाने का काम विपक्ष सरकार किया है, को चीर निद्रा से उठाने के लिए अगर भगत सिंह का भी रूप अख्तियार करना पड़े तो उसे सही ठहरा रही है रागिनी जी, जवाब दीजिए। और देश की संसद की मर्यादा उस दिन भी तार तार हुई थी जब कैश फॉर वोट स्कैम में नोट लहराए गए थे, तो कौन सी पार्टी आज सवाल पूछ सकती है मर्यादा पर? अंजना जी देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी सकारात्मक रूप में और आत्मचिंतन करेगी। जब इनके नेता अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य नहीं आता है कि जो इनके संसद सांसद ने किया वो गलत था, तो प्रवक्ता बेचारे क्या बोलेंगे? और मैं बताऊं, जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खासकर हमारे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है।
रोया केवल आज भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है, आज भारत की जनता रो रही है कि उनका दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसा विपक्ष इस देश में है। रो रहा है हमारा लोकतंत्र कि कांग्रेस अपनी तुलना सरदार भगत सिंह जी से करती है। भगत सिंह जी खुद रो रहे होंगे ये सुन के जो आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है। और आपने उस लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र कर दिया, क्यों? क्योंकि देखिए अंजना जी, इनके पास आज बहस करने के लिए कुछ है नहीं। जब तर्कों में धार नहीं होती है तो किताबें फेंकी जाती हैं सभापति पे, तब होता है डेस्क पे खड़े होके उपद्रवियों जैसा व्यवहार, तब होती है नारेबाजी, और देश की जनता ये सब देख रही है।